वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उन हैवानों का दिल न पसीजा और एक मासूम को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में जिन आरोपियों को देख रहे हैं, ये वो ही शैतान हैं जिन्होंने पहले तो नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और बाद में उस पर तेल डालकर आग लगा दी। दिल दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, जहां नाबालिग किशोरी घर पर अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाने की नीयत से गांव के ही कुछ युवक उसके घर में घुस गए और किशोरी के साथ रेप किया, बाद में जिंदा जलाने की कोशिश की। आनन फानन में पीड़िता के परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आधे से ज्यादा जल चुकी पीड़िता अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। होश में आई पीड़िता की आप बीती सुनने के बाद परिजनों ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने गैंगरेप सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गांव के ही रहने वाला दो लड़के राजवीर एवं ताराचंद, उनके बच्ची के साथ बलात्कार किया एवं उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनके ऊपर डीजल छिड़का के आग लगा दी। आगे गहराई से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट ने लड़की के बयान भी दर्ज कर लिए हैं, साथ ही पीड़िता को गंभीर हालत में लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे और पीलीभीत से ही दूसरी गैंगरेप की घटना सामने आ गई, जहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम को गांव के ही दो युवक रात के अंधेरे में घर से उठा ले गए और गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। 24 घंटे के अंदर लगातार दो गैंगरेप की घटनाएं पीलीभीत पुलिस और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।